टाइगर श्रॉफ ने अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाई थी। आखिर क्यों दिशा पाटनी सबके सामने होने वाली थी शर्मसार? कम मचाने वाले हैं ये अपनी बागी फोर से धमाका, और क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अक्सर अपनी खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती ही रहती है। इन फोटोज में इनकी अदा और जलवे देखने लायक होते हैं, लेकिन कभी कभार सेक्सी दिखने के चक्कर में एक्ट्रेस ओप्स मूवमेंट का शिकार भी हो जाती है। एक बार तो ऐसा हो गया था जब टाइगर श्रॉफ ने दिशा को इस मूवमेंट से बचा लिया था। दिशा पाटनी मनीष मल्होत्रा के रैंप वॉक पर पहुंची थी। इस फैशन शो में टाइगर श्रॉफ भी थे, जिन्होंने दिशा से पहले रैंप वॉक कर लिया था। टाइगर जब सबके सामने आए तो उन्होंने देखा कि पूरा रैंप शीशे का बना हुआ है और उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। टाइगर अपने वॉक खत्म कर ही रहे थे कि दिशा आई, और दिशा ने शिमरी सिल्वर मिनी ड्रेस पहना हुआ था। दिशा को आते देख टाइगर ने उनके कान में कुछ कहा और दिशा रैंप पर वॉक करने की बजाय किनारे से जाने लगी और उन्होंने रैंप पर वॉक ही नहीं की। टाइगर की सूझबूझ ने उन्हें एक बहुत बड़े उप्स मूवमेंट से बचा लिया। इस शो की शो स्टॉपर थी आलिया भट्ट, जिन्होंने भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। तो देखा दोस्तों कैसे टाइगर ने अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचा ली। वहीं आपको बता दें, दिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने व्हाइट बिकिनी का फोटो शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वर्कफ्रेंड की बात करें तो दिशा पाटनी आखिरी बार राधे और मोस्ट वांटेड भाई में दिखाई दी थी, और अब एक विलन टू से धमाका मचाने को तैयार है। वहीं इन दोनों की फिल्म की बात करें तो बागी फोर से ये तहलका मचाने को तैयार है। इस फिल्म को भी अहमद खान ही डायरेक्ट कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ये फिल्म फ्लोर पर भी आने वाली है। कोविड जैसे ही कम इसका प्रभाव होगा, अब तो फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है, तो जल्द से जल्द टाइगर बागी फोर का शूट शुरू करेंगे। फिलहाल सबसे पहले वो हीरो पंती 2 का शूट निपटाएंगे, उसके बाद गणपत का, और तब नंबर आएगा बागी 4 का। हाल ही में टाइगर से जब उनके फैंस ने आस्क मी क्वेश्चंस के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तब उन्होंने अपनी फिल्मों की डिटेल्स दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूरी 4 फिल्में हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसमें रैमो रीमेक है, बागी 4 है, हीरो पंती 2 है और गणपत है। तो दोस्तों, आपको टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री कैसी लगती है और कितना इंतज़ार है बागी 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।